अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड में बड़े खिलाड़ियों की वापसी हो गई, जबकि बड़े खिलाड़ियों को पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड में किन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया और किन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर दिया गया, पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन से वीडियो की जाने बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप भी पाकिस्तानी टीम के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान टाइप करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जी हां नाज़रीन, यहां पर आपको बताते चले कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 इस दफा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, जिसका आगाज 1 जून से होने जा रहा है। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड की बात की जाए तो जिसमें नंबर 1 पर होंगे ओपनर बल्लेबाज फखर जमान, नंबर 2 पर होंगे नौजवान टैलेंटेड बल्लेबाज साइम अयूब, नंबर 3 पर होंगे बाबर आजम, नंबर 4 पर होंगे विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर होंगे अब्दुल्ला शफीक, नंबर 6 पर होंगे शाहीन अफरीदी, नंबर 7 पर होंगे हारिस रऊफ, नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर शदाब खान होंगे, नंबर 9 पर होंगे नसीम शाह, नंबर 10 पर होंगे ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, नंबर 11 पर होंगे इब्रार अहमद, नंबर 12 पर होंगे विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस, नंबर 13 पर होंगे समार खान, नंबर 14 पर होंगे आमिर जमाल, जबकि नासरी नंबर 15 पर होंगे आसिफ खान और नंबर 16 पर वसीम जूनियर भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। नासरी, आपके ख्याल में पाकिस्तानी स्क्वाड में मजीद कौन सी तब्दीलियां होनी चाहिए थी, कौन सी चेंजेस होनी चाहिए थी? आपका पाकिस्तानी टीम में फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा।